और आज जम्मू कश्मीर में राहत का 11वां दिन है। घाटी में पानी घटने से राहत के काम में तेजी आई है। सेना ने अपनी पूरी ताकत और मदद झोंक दी है। अब तक करीब 1,10,000 लोगों को बचाया गया है। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी हालात पर पैनी नजर रखे हुए है। संसदीय कार्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नाव में बैठकर बाढ़ में बदहाल श्रीनगर का जायजा लिया और हालात की समीक्षा की। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से सेना के जवान दिन रात लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, लोगों तक मदद की सामग्री पहुंचाने के लिए, राहत की सामग्री पहुंचाने के लिए। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हालात पर पैनी नजर रखे हुए हैं सीधे प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने नजर रखे हुए हैं। और जितेंद्र सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जम्मू में स्कूल आज से खुल गए हैं, हालांकि बच्चों की संख्या यहां पर कम है। आज बाढ़ के बाद पहले दिन स्कूल खुला है जम्मू में, बच्चे यहां पर कम आए हैं संख्या में, लेकिन उसके बावजूद यहां पर बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर में संकट फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कश्मीर में सैलाब से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं जम्मू के डोडा और रियासी में बादल फटने से एक बार फिर लोग दहशत में आ गए हैं। जम्मू में वैसे तो सैलाब का पानी धीरे धीरे घटने लगा है, लोग अपने अपने आशियाने को फिर से बनाने में जुटे हैं, लेकिन डोडा रियासी में बादल फटने की घटना ने लोगों को परेशान कर दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्रीनगर और डोडा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। श्रीनगर में हालांकि अब भी पानी भरा हुआ है, क्योंकि पानी निकासी के लिए सबसे बड़ी परेशानी श्रीनगर में यही है कि कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हालांकि बारिश नहीं हो रही है, मौसम जो है वो थोड़ा सा खुल गया है, इस वजह से राहत है, लेकिन उसके बावजूद शहर में पानी भरा हुआ है। दूसरी तस्वीर आपको हम डोडा की दिखा रहे हैं। यहाँ पर पानी घटना तो शुरू हो गया है, लेकिन बादल फटने से एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत आ गई है। तो फिलहाल जम्मू और श्रीनगर के लोगों के लिए आफत कम नहीं हुई है। दिल्ली के आर्मी बेस से राहत सामग्री लेकर एयरफोर्स के विमान श्रीनगर के लिए रवाना होने वाले हैं, और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। हम इस वक्त दिल्ली के पालम एयरबेस पर हैं और ये टेक्निकल एयरपोर्ट है जहां से ये फ्लाइट इस वक्त जा रही है। श्रीनगर में जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए मदद राशि, मदद के सामान लेकर के इसमें तमाम जवान जो एनडीआरएफ के हैं और इसके साथ ही एनडीआरएफ का स्टाफ और दूसरा जो कि वहां पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जा रहा है, रेस्क्यू का काम भी इन्हीं जहाजों से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो एनडीआरएफ के जवान हैं यहां बाकायदा जो राहत सामग्री है इसमें जूस है और तमाम और दूसरा सामान है उसको लेकर के वहां जा रहे हैं। रात में पूरी रात ये ऑपरेशन चलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो फंसे हुए हैं वहां पर और लगातार उनकी तरफ से मदद के लिए गुहार हो रही है और बातचीत चल रही है। हम वहां पर जो बाढ़ पीड़ित जगहें हैं जहां लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये जो सुरक्षित निकालने का काम है वो कितनी मुस्तैदी से हो रहा है और साथ ही साथ कितने लोग ऐसे भी हैं जहां तक अभी मदद नहीं पहुंची है, उन लोगों की बात सरकार तक और जो मदद कर रहे हैं लोग उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।